22 तारीख को एक इंसिडेंट हुआ था जू जिला पे। उसमें एक अल्ट्रिकेशन के वजह से ही दो FIR लगाए हैं। तो उसके बारे में एक ब्रीफिंग देना था मुझे। उस दिन ट्रैफिक क्लियरेंस के दौरान एक ड्राइवर ने, रियाज अहमद ने, वहाँ पे एक गाड़ी रोक के रखा था। उसको हटाने के लिए एक पुलिस ने कोशिश किए थे। उस टाइम वहाँ पे दोनों के बीच में अल्ट्रिकेशन हुआ था। उसके बाद हमको एक रिपोर्ट आया SPO के तरफ से, वहाँ का पोस्टेड SPO के तरफ से, दैट उसने उसको धक्का दिया है और उसको उसके साथ बदतमीजी किया है। फिर हमने एक FIR लगाया। उसके बाद हमको एक कॉल आया यूनियन से। वो पहले DSP हेडक्वार्टर्स को आया था। उसमें यूनियन वालों ने बोला है ऐसे वहाँ पे एक मसला हुआ है, आपके बंदे ने अपने ड्राइवर को मार दिया है। फिर ये सुनने के बाद हमको एक कंप्लेन आया। उस कंप्लेन को हम एक्सेप्ट करके उसमें डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट मुस्तफ़ा के साथ बात करके हमने डिसाइड किया है इसमें इमीडिएटली एक्शन लेंगे। ये हुआ है 22 तारीख, और 22 तारीख शाम को मतलब 4 बजे हमने इनिशिएट किया है एक्शन। उसके बाद यूनियन की तरफ से बोला हुआ था इसमें स्ट्रिक्ट एक्शन चाहिए, हमने भी अश्योरेंस दिया था। फिर ऑलमोस्ट 5:40 पे, अकॉर्डिंग टू द एडमिशन कार्ड एट द हॉस्पिटल, ड्राइवर ने वहाँ पे इलाज के लिए गया था और डॉक्टर से मिल के वापस बाहर आके मीडिया के साथ थोड़ा इंट्रैक्शन किया था। उसमें इन्होंने बहुत कुछ बोला है। इसमें 3 साल में जो भी इंसिडेंट्स हुआ है जो ज़िला में, जितने भी ASI वहाँ पे थे उनके बारे में इन्होंने बोला है। मैं तो सिर्फ 2 महीने से हूँ, ये मेरा पहला कंप्लेंट है जो ज़िला के बारे में, बेसिकली ये हरासमेंट के बारे में। उसके बाद हमने अश्योरेंस भी दिया था, इसमें हमने एक्शन इनिशिएट किया कर दिया है। अगर आप और भी कुछ चाहते हैं आप बता सकते हैं। इन्होंने बोला है नहीं, सिर्फ हमको स्ट्रिक्ट एक्शन चाहिए। फिर ये घर गए थे वापस 9:55 को, अगेन हॉस्पिटल टाइमिंग है, एडमिशन कार्ड में 9:55 लिखा है। इन्होंने वापस आया, वहाँ पे बोला है ऐसे हमको एडमिट कराना है यहाँ पे और पर्चा लगाना है इस पर। फॉर्म मजरूबी के लिए हमने पुलिस पार्टी भेजा है वहाँ पे। पुलिस पार्टी ने वहाँ पे पहुँच के इनका पूरा इंजरी मेमो भरा है। उसके बाद वो लेट नाइट हो गया था क्योंकि वो 10:30 बजे पहुँचे थे पुलिस पार्टी वहाँ पे, ये 9:55 को पहुँचा था वहाँ पे। इसमें FIR के लिए पूरा कार्रवाई हो गया था। उनका जो भी रिपोर्ट था वो भी हमने रिकॉर्ड करके नेक्स्ट डे सुबह हमने FIR लगा दिया था। इनका FIR फिर काउंटर बन गया था उसमें, क्योंकि 2 वर्षन आए। पहला वर्षन था उसका SPO का, और दूसरा इन्होंने पहले बोला था सिर्फ हमको एक्शन चाहिए, DE हमने कॉल दिया था। फिर बाद में हमको कॉल आया नहीं इसमें FIR से, FIR भी हमने दर्ज किया था। उसके बाद उस दिन एडमिट होने के बाद ऑलमोस्ट 40-50 यूनियन ड्राइवर्स आए थे हॉस्पिटल पे। फिर मीडिया को भी इन्होंने बुलाया, फिर वहाँ पे पूरा इंट्रैक्शन हुआ था पेशेंट के साथ। इसके बाद फिर से यूनियन से मुझे कॉल्स आने लगा। इन्होंने बोला हमें सस्पेंड करना है उस ड्राइवर को इमीडिएटली। इसमें मैं क्लियरली एक चीज़ बताता हूँ, ये प्रोसीजर जो कंप्लेंट आया है वो उसको हमने दोनों का कंप्लेंट रिकॉर्ड किया है। इसमें इन्वेस्टिगेशन करने से पहले हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हमको पहला रिपोर्ट आया उस पर भी FIR है, दूसरा रिपोर्ट पर भी FIR है, और बीच में एक्सप्लेनेशन मांग के DE का प्रोसेस भी चालू हो गया है। जो करना था वो टाइम पे हमने कर दिया और इस बंदे को हमने अटैच भी कर दिया। जो अभी मांग रहे हैं इसको सस्पेंड करो, इसको डिसमिस करो, ये इलीगल प्रोसीजर है। मैं सिर्फ प्रोसीजर के हिसाब से जो कर सकता हूँ वही कर सकता हूँ। आई कैन नॉट फॉल फॉर प्रेशर टैक्टिक्स। मैं जो लीगली करना था वो कर दिया है, और मैक्सिमम कितना करना था वो भी कर दिया, मतलब इसको अटैच भी कर दिया है, DE भी इनिशिएट कर दिया है, FIR भी उसके खिलाफ लगा दिया है, और इसका परमानेंट सॉल्यूशन हम ढूंढ रहे हैं। क्योंकि हमारे पुलिस आगे जाके कैप्टन मोड़ तक या और भी आगे जाके नीचे तक भी पुलिसिंग करके वापस आते हैं, बट एक्चुअल जुरिस्डिक्शन ये नहीं मानते हैं दैट वो कारगिल का है। इसमें कल एक फैसला हुआ है, 0 पॉइंट से आगे वहाँ पर एक डिटेल रहेगा, वो है गांधरबल पुलिस की तरफ से। वो वहाँ पे पुलिसिंग करेंगे, जो भी टूरिस्ट की वजह से वहाँ पे जाम हो रहा है उसको वही क्लियर करेंगे। और दूसरा है, ये टूरिज़्म को मॉनिटर करना पड़ेगा और स्ट्रीमलाइन करना पड़ेगा। टूरिज़्म को बिल्कुल रोक नहीं सकते हम, बट ये स्ट्रीमलाइन होना चाहिए। जब तक वहाँ पे फैसिलिटीज़ नहीं है तब तक हम इतना खुल के टूरिज़्म वहाँ पर छोड़ नहीं सकते हैं। इसके बारे में, इस मुद्दे के बारे में कल पूरा BRO
और दोनों तरह डिस्ट्रिक्ट का कंपोनेंट्स, दोनों ट्रैफिक का कंपोनेंट्स बैठ के बहुत डिस्कस किया है, और उसके वजह से आज भी टू वे मोमेंट चालू हो गया। एडीजी सर के सुपरविजन में ये सब हुआ है, और भी इसमें हमने एक जॉइंट कंट्रोल रूम टाइप सेट करने के लिए भी प्लान किया है। सर ने इसमें क्लियर इंस्ट्रक्शंस दिया है, वो भी एस्टेब्लिश हो जाएगा। सो इस साल हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं टूरिज्म के वजह से जो ट्रैफिक होता है वो कम हो जाएगा, क्योंकि इस इंसिडेंट का भी वही रीज़न था, क्योंकि इन्होंने भी वहाँ से टूरिस्ट लाए थे और उनको उनके वजह से थोड़ा जाम हो रहा था, उसको हटाने के लिए ट्राई किए थे, उसके वजह से ही हुआ है। सो मैं समझ रहा हूँ ये लॉन्ग टर्म इशू है, इसका सोल्यूशन थोड़ा लॉन्ग टर्म में ही रहेगा, बट कल एक शुरुआत है, वील होप दैट इसमें इम्प्रूवमेंट्स आएगा। सर मॉडल शाम को ये बताया था, कल शाम को ये पेशेंट बता रहा था जो हॉस्पिटल में ड्राइवर है, वो बता रहा था कि पुलिस की जानिब से अभी तक उनसे बयानात नहीं ले गए, अभी तक कोई पुलिस अफसर उनसे मिलने नहीं आए। मैंने भी सुना था नो पुलिस क्लेम है, उसका भाई ने बोला था जी जी। इनका फॉर्म मजरूबी हमने ही भरा है, अपने SHO वहीं पे था जब ये पहला बाइट दे रहे थे। आप बैकग्राउंड में आपके वीडियो में देख सकते हैं मेरा सब इंस्पेक्टर वहीं पे था। सो ये बोल रहे हैं पुलिस बिल्कुल वहाँ पे नहीं आया, बट वो सही नहीं, हमने इनको बोला है आप हमको कंप्लेंट दे दो, उन्होंने बोला नहीं ओरल कंप्लेंट है। हमने 0 FIR लगा के कारगिल से फैसिलिटेट करके द्रास में लगाया। सो हम इनको ये भी नहीं बोला ये जुरिस्डिक्शन नहीं है आपको द्रास जाना है। सिर्फ इस हफ्ते में 2 0 FIR मैंने लगवाए हैं यहाँ पे। 0 FIR का कल्चर इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वो लोगों को फैसिलिटेट करता है, अगर कुछ क्राइम हो रहा है उसी पुलिस स्टेशन में आपको कंप्लेंट देना है, 0 FIR काटना है, फिर वो चेंज हो जाएगा। वो इसको नहीं बोलना है, कंप्लेनेंट को नहीं बोलना है, आप वहाँ पे चले जाओ। सो ये वाला कल्चर इंप्लीमेंट करने के लिए मैं कोशिश करता हूँ, और इस केस में भी हमने वही किया है, इनको जितना फैसिलिटेट कर सकते हैं हमने किया है इसमें। सर पुलिस की तरफ से कोई प्रेशराइज तो नहीं है यूनियन पे, क्योंकि बताया जा रहा है कि पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से यूनियन पे बहुत प्रेशर्स आए, इस वजह से स्टेटमेंट नहीं दे पाए। दूसरा चीज़ ये है कि जो जो ये ब्लेम कर रहे हैं उनके फैमिली बैकग्राउंड पे भी प्रेशर बहुत आया है, स्पेशली किस तरफ का प्रेशर बोल रहे हैं, क्योंकि मैंने तो नहीं सुना है इसके बारे में। प्रेशर ये है कि पुलिस डायरेक्टली बोल रहा है कि इस इशू को बिल्कुल सॉर्ट आउट करें, हम अगर सॉर्ट आउट करना है FIR हमने नहीं लगाया, कॉम्प्रोमाइज के जरिए से जो है सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन एक चीज होता है डीएस्केलेट, दूसरा होता है इसको बरी करना है। हमने अगर बरी करना है इसको हम DE नहीं खोला होगा, हमने FIR नहीं लगाया होगा, हमने इसको अटैच नहीं किया होगा, बट डीएस्केलेशन अलग बात होता है। जब टैक्सी यूनियन बोलते हैं हम हड़ताल में बैठेंगे इसको सस्पेंड करो, फिर मुझे बात करना पड़ेगा यूनियन के साथ। मैंने इनको बोला है हम इसको एस्केलेट क्यों करना है, जो लीगली प्रोसीजरली कार्रवाई होना है वो तो हम कर रहे हैं, लेकिन आप बोलते हो इसको बिना प्रोसीजर सस्पेंड करो, इमीडिएटली ये करो वो करो, इसको फांसी पे चढ़ाओ, ये सब हम नहीं कर सकते ना। सो डी एस्केलेशन के लिए मैंने बहुत मीन्स से ट्राई किया है, क्योंकि इनको मैंने समझा है जो एक्शन होना है वो लीगल प्लेटफॉर्म से होगा, बट जो आप बोल रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर इशू के तरफ वो नहीं होना चाहिए। अगर यही बोल रहे हैं फिर मैंने तो डीएस्केलेट करने के लिए कोशिश की। सर इस इन्वेस्टिगेशन में कब तक एक कॉन्क्रीट आउटपुट आ सकते हैं? सो इसमें बेसिकली वो DE पार्ट है ना, वो जल्दी हो जाएगा, 3-4 दिन में, वो इशू नहीं है। बाकी इन्वेस्टिगेशन के लिए आज भी स्टेटमेंट्स ले रहे हैं, वो टूरिस्ट को कॉन्टैक्ट करने के लिए मैंने बता दिया है। बाकी वो कश्मीर के तरफ, मतलब वो सोमवार के तरफ से वो कश्मीर ये बैठते हैं ना दुकानदार, उनसे स्टेटमेंट लेने के लिए अभी गए हैं। सो दोनों केसेस में भी स्टेटमेंट्स ले लेंगे, और इसमें डी में बहुत जल्दी आ जाएगा, क्योंकि जितने भी लोग वहाँ पे थे उनका स्टेटमेंट्स कलेक्ट करना है, और अगर कुछ वीडियोस किसके पास हैं फिर वो भी इसमें अटैच हो जाएगा। सर आने वाले दिनों में लद्दाख पुलिस और आम लोगों के साथ, खासकर ड्राइवरों के साथ बेहतर तालमेल बनाने के लिए आपकी तरफ से, क्योंकि आप नए नए यहाँ पे IPS अफसर यहाँ पे आए हैं, तो आप क्या कोशिशें करेंगे और आवाम के एतिमाद किस तरह से हासिल करेंगे? क्योंकि लद्दाख पुलिस का हमेशा ये रहा है कि लद्दाख में, ख़ास कर करगिल में अच्छे काम किए हैं, तो ऐसे छोटे मोटे वाक़यात की वजह से फिर पुलिस पर क्लियरली मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, ये इंसिडेंट्स रोज़ नहीं होता है, आपको भी पता है, मुझे अभी तक म्यांमार के बारे में रोज़ तारीफ आता था, आज पहले बार कंप्लेंट आया है, और ये एक ही पर्सन के खिलाफ आया है। सो एक पर्सन पूरा फोर्स को रिप्रेजेंट नहीं करता है, जब सोसाइटी में क्राइम होता है वो एक पर्सन जो क्राइम करता है वो पूरे सोसाइटी को रिप्रेजेंट नहीं करता है। ऐसे ही पुलिस में भी एक इंसिडेंट हुआ है, उसके ऊपर जो एक्शन करना है हम एक्शन लेंगे। और आपने पूछा है
फ्यूचर में ड्राइवर के साथ कैसे होगा, ये इशू है। ये बहुत फ्रीक्वेंटली होता है, ये हर जगह होता है ड्राइवर्स के साथ, बिकॉज उनका प्राइवेट मोटिव एक होता है, हमका ट्रैफिक मेंटेनेंस का काम होता है, हमको ड्यूटीज दिया हुआ है अंडर 36(3) जे एंड के पुलिस एक्ट टू मेंटेन ट्रैफिक। अगर कोई गाड़ी अननेसेसरीली रोकते हैं उसको निकालने का पावर्स है, अरेस्ट करने का पावर्स है, बट उनका भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ड्राइवर का टू हैव सिविक सेंस। आप खुद ही देखा होगा जोजिला में टूरिस्ट लेके NH1 ब्लॉक करते हैं, बाकी जगहों में लाल चौक साइड में भी ऐसे इश्यूज होता है। इसको हम सॉर्ट आउट करने के लिए बहुत बार मीटिंग्स करते हैं, बट कभी कभी एक दो ड्राइवर्स ए जैसा इंसिडेंट्स कॉज करते हैं, मतलब ब्लॉकेज कॉज करता है, तो उस टाइम इस इंसिडेंट्स को केस बाय केस बेसिस डील करना है। ये इंसिडेंट पुलिस को पूरा रिप्रेजेंट नहीं करता है, और ये जो SPO ने ये किया है उसके ऊपर जो कार्रवाई हम करेंगे वो भी एक एग्जांपल नहीं है। सो मुझे पुलिस का मॉरल भी देखना है और इस इंसिडेंट में एज एन आइसोलेटेड केस डिसाइड करना है। सो ये बहुत एस्केलेट हो गया, आपको भी पता है, इसको डी एस्केलेट करने के लिए मैं अभी कोशिश कर रहा हूँ, और जो पनिशमेंट होना है वो मेरे तरफ से बिल्कुल फेयर एंड ट्रांसपेरेंट पनिशमेंट मिल जाएगा। जैसा जो भी ट्रेनिंग देना है वो हम देंगे, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ ये न्यू लॉज आ रहा है, सो जनरल पब्लिक को भी हम दे रहे हैं, उसके साथ साथ हम ट्रैफिक अवेयरनेस भी कराएंगे। और जो जिला के ऊपर स्पेशली वहाँ पे एडवाइजरी का इशू आ रहा है, बहुत टूरिस्ट को एडवाइजरी के बारे में जानकारी नहीं होता है, सो वहाँ पे डिजिटल एडवाइजरी बोर्ड है BRO का, उन्होंने बोला है हम यूज़ कर सकते हैं, उसके ऊपर भी हम काम कर रहे हैं। सर, ADGP ने रिसेंटली विजिट किया है जोजिला पास में, जैसे ज़िया साहब ने कहा कि बॉर्डर एरिया जो है वो डिफाइन नहीं है लद्दाख और कश्मीर का, तो उसको भी रिजॉल्व करने के लिए पुलिस लेवल पे एडमिनिस्ट्रेशन के इश्यूज को टेकअप कर रहे हैं। नहीं, ये रेवेन्यू इशू है, पुलिस का ज्यूरिसडिक्शन नहीं है, मैं इसमें कमेंट नहीं कर। सर, जिस जगह पे ये इंसिडेंट देखने को मिला है वहाँ पे क्या CCTV अवेलेबल थे सर, जिस जगह पे ये इंसिडेंट हुआ है? नहीं, वहाँ पे वहाँ पे एक्चुअली नेटवर्क कनेक्टिविटी भी नहीं था, इसलिए थोड़ा डिले भी हो गया था। इसमें ज़्यादातर कन्फ्यूजन इसके वजह से ही हुआ है, क्योंकि 2 वर्जन इसीलिए आ रहा है, ये बोलता है मैं SPO बोलता है मैं नीचे आके कंप्लेंट किया, ये बोलता है मैं घुमरी तक, आपने वीडियो में भी देखा होगा घुमरी तक दौड़ के आया, फिर ये हुआ है वो, वहाँ पे नेटवर्क कनेक्टिविटी भी नहीं था, किसी का इमीडिएट इन्फॉर्मेशन नहीं मिला है हमको, सो इसलिए विटनेस के ऊपर रिले करना पड़ा।